अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ईद है, ईद का मौका है, एक पुलिस अफसरान के लिए ईद कैसी होती है? हाँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा फराइज के मुख्तलिफ होते हैं हमारे, और बहुत सारे अफसरान और अहलकारान ईद के मौके पे भी, तमाम ऐसे मौके जो होते हैं उन पे उनकी ड्यूटी होती है और वो अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हैं। अच्छा, तो बकरीद का जैसे ही जिक्र आता है तो क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़ सबसे पहले जहन में आती है? मेरे जहन में बकरीद से सबसे पहले जहन में आता है कुर्बानी का मफहूम, और अच्छा। मैं इसको ईद को सिर्फ खुशी, अल्लाह की तरफ से क्यों इसको खुशी कहा गया, मैं उस मफहूम पर सोचता हूँ कि इसको कुर्बानी अल्लाह ने क्यों कहा और इस कुर्बानी को हमने अजीम कुर्बानी से बदल दिया। ये बताएं कि आप अपनी जिंदगी की अचीवमेंट का क्रेडिट फिर किसको देना चाहेंगे, अपने वालिद? ऑब्वियसली पेरेंट्स के अलावा और बिल्कुल बिल्कुल आपकी हर चीज़ का ख्याल, आपकी जरूरियात का ख्याल और आपके मुस्तकबिल का ख्याल जो वालदैन करते हैं, वो आप खुद तो इतनी समझ नहीं होती बचपन में। सर, ये जो है आपके फादर के हवाले से मैं थोड़ा पूछना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही बड़े शायर हैं और अक्सर हम उन्हें टीवी पे भी देखा करते थे, तो उनके हवाले से ज़रा बताएं कि उनकी क्या उनकी जर्नी रही है। हाँ, उसके हवाले से मेरे फादर तो मतलब वो वैसे तो अदरवाइज बिजनेस करते थे, लेकिन जो मशगला उनका ये था, ये मैंने तो उनको जब मैं बिल्कुल बच्चा था तो मैंने उनको इन जवानी में असातज़ा के लेवल पे देखा, और बड़े लोग आते थे और उनसे अपना कलाम भी दुरुस्त करवाते थे और मदद भी लेते थे।